तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मास्टर्स क्लास क्या होता है, मास्टर्स क्लास होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न की बनाने वाले हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो मास्टर्स क्लास में हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है बहुपद, 9m02 बहुपद, पॉलीनोमियल। अब ये क्या है, सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट बताते चलता हूँ कि बहुपद क्या होता है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बता दूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे बहुपद क्या होता है, पॉलीनोमियल से संबंधित कुछ कुछ सारे बच्चों को आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंसेप्ट बताएंगे, फिर उससे संबंधित आपको प्रश्न करा देंगे, ताकि आपका वो कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न जो है कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए बहुपद, सबसे पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, और या तो इंग्लिश में पॉलीनोमियल क्या होता है। तो बहुपद नाम से ही क्लियर है, बहु मतलब क्या होता है, अनेक, पद मतलब क्या होता है, अनेक पद, यानी ऐसा ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद हो। इंग्लिश में देख लेंगे कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास मैनी टर्म्स हो, उसे क्या कहेंगे, पॉलीनोमियल कहेंगे। हिंदी में क्या होंगे, ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद हो, उसे कहेंगे बहुपद, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, ऐसा ऐसा पॉलीनोमियल जिसके ऐसा टर्म जिनके पास जब अनेक टर्म मिलके, जब अनेक टर्म मिलके कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल। इंग्लिश में मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, जिसके पास मैनी टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास मैनी टर्म हो उसे कहेंगे पॉलीनोमियल। और बहुपद में क्या होगा, ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद हो उसे कहेंगे बहुपद। अगर दोनों समझ में आ गया सारे बच्चों को कि पॉलीनोमियल और बहुपद क्या होता है, दोनों समझ में आ गया, तो चार बच्चों वाई टक करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए ऐसा व्यंजक जिस पास अनेक पद हो बहुपद कहलाते हैं, इंग्लिश में ऐसा एक्सप्रेशन जिस पास मैनी टर्म हो उसे पॉलीनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब रही बात की सर इसका जनरल फॉर्म बता दीजिए कि पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देखिए पॉलीनोमियल का बीजीय व्यंजक का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है पी एक्स बराबर ए एन एक्स के पावर एन। ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा बहुत लंबा दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको कि ये होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो बहुपद में हमें दो तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी सबसे महत्वपूर्ण, जो कि है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास मैं बोलूं एन एक्स के पावर एन लिखा हुआ है, एन एक्स के पावर एन लिखा हुआ है, तो इसमें मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सभी सभी बच्चे बताएंगे सबसे पहले कि एन क्या होता है, सबसे पहले बताएंगे सब बच्चे एन क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया सर ये कोफिशियंट होता है, बहुत बढ़िया, कोफिशियंट मतलब ये गुणांक होता है, क्या होता है, गुणांक होता है। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, इंग्लिश में से बोलेंगे कोफिशियंट होता है, ठीक है, क्या होता है ये कोफिशियंट होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये एन क्या होता है, तो एन इसका जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, बहुत बढ़िया, एन इसका पावर होता है घात बोल दीजिए, जिससे क्या होता है इसका एन पावर बोलिए घात होता है, क्या होता है पावर होता है घात होता है, ठीक है। एन क्या होता है, इसका पावर होता है घात होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया सर बच्चों को, अगर यहां तक सर बच्चों को समझ में आ गया कि ए एन एक्स के पावर एन में एन जो होता है इसका कोफिशियंट होता है, गुणांक कहलाता है, और एन क्या कहलाता है, इसका घात कहलाता है, तो चार बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चार बॉक्स में टाइप करेंगे। आगे यहां तक समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, बताइएगा सर बच्चे 2x³, सभी सभी बच्चे बताएंगे कि 2x³ का गुणांक क्या होगा, कोफिशियंट क्या कितना होगा, जल्द बताएंगे सर बच्चे 2x³ का कोफिशियंट कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कोफिशियंट कितना होगा, 2x³ का कोफिशियंट कितना होगा, 2, सिर्फ 2। देखिए मैंने अभी आपको क्या दिखाया, देखिए मैंने आपको इसी बताया कि देखिए एन जो होता है एन ही सिर्फ आपका क्या होता है, गुणांक होता है, एन क्या होता है आपका गुणांक होता है, यानी इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 एन की जगह पे है। चलिए इसी प्रकार बताएंगे घात कितना होगा इसका, जल्दी बताएंगे सर बच्चे इसका घात कितना होगा, घात क्या होगा जो इसके पावर में होता है, कितना होगा, 3 होगा। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें कि 2 इसका हो गया गुणांक,
एन हो गया इसका घात। आगे समझ में यहां तक आगे समझ में। चलिए अब आता है कि सर इसका जनरल फॉर्म अभी आप दिखा रहे थे वो क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए जो बहुपद का जनरल टर्म होता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कैसे लिखा जाता है बहुपद का जनरल टर्म, बीजीय व्यंजक कैसे लिखा जाता है। देखिए पहला होगा, देखिए पहला ये गुणांक एन वाला गुणांक लेते हैं और इसका पावर मान लेते हैं एन है, ठीक है। हमें पता है ये क्या है, ये गुणांक है और ये क्या है घात है। अभी भी मैंने बताया सर बच्चों को एन क्या है, एन आपका गुणांक है और एन क्या आपका घात है, ठीक है। चलिए अब पॉलीनोमियल को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, पी एक्स से। पी मतलब होता है पॉलीनोमियल और एक्स इसका हो गया फंक्शन, ठीक है। चलिए तो यानी हम इसको बोल सकते हैं पी एक्स बराबर ए एन एक्स के पावर एन। ए एन इसका क्या है गुणांक है, एन क्या है इसका घात है। अब हम क्या करते हैं इसमें से एक एक टर्म कम करते जाते हैं। एक एक टर्म कम करने का मतलब कि मान लीजिए ये पहला एन है तो इससे एक कम क्या होगा, इससे एक कम होगा ए एन माइनस वन, इससे कम होगा ए एन माइनस वन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा क्या सर ऊपर वाला में भी कम होगा, हाँ ऊपर वाला में भी कम होगा, ऊपर क्या है एन है जिसमें से एक काम करते हैं एन माइनस, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एन माइनस वन करता हूँ, समझ में आ गया। चलिए ठीक उसी पर बताइए सर बच्चे कि अगला क्या होगा। अगला देखिए एन माइनस वन था, एक और कम कर लेते हैं क्या हो जाएगा ए एन माइनस टू है ना, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स, ऊपर क्या है ए एन माइनस वन है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एन माइनस टू लिख सकते हैं, जो कि एन माइनस टू, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार ये जो है कहां तक आएगा, धीरे 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 कर करके आपके पास आएगा, मान लीजिए ए एन से शुरू हुआ और कहां तक आएगा, मान लेते हैं ए वन तक आ गया, कहां तक आ गया ए वन तक आ गया। इसका मतलब एक्स के पावर में भी क्या होगा, ये एन माइनस टू था तो इसके ये भी आ जाएगा वन तक, यानी इसका पावर क्या हो गया वन तक, कहां तक आ गया वन तक। अब एक बच्चे के मन में ये प्रश्न आ सकता है, अधिकतर बच्चों के मन में प्रश्न आ सकता है क्या ये जीरो तक जाता है, हाँ ये जीरो तक भी जाता है, यानी इसके अगला वाला टर्म क्या होगा, इसके अगला वाला टर्म होगा ए, चलिए मैं इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ, इसके अगला वाला टर्म होगा आपके पास, इसके अगला वाला टर्म हो जाएगा जो आपके पास होगा वो होगा ए जीरो और एक्स के पावर वन के बाद क्या आता है जीरो। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ए जीरो के बाद एक्स के पावर जीरो तो दिया नहीं है, तो फिर एक्स पावर जीरो गया कहाँ, यहाँ पे तो एक्स के पावर जीरो दिया नहीं है यहाँ पे एक्स पावर जीरो गया कहाँ। तो देखिए मैं बताता हूँ ध्यान दीजिए, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के पावर, संख्या हो या चर हो या अचर हो, उसके पावर में अगर जीरो होती है तो इसका मान होता है वन, उसके पावर में अगर जीरो होती है तो उसका मान कितना होता है वन होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि अगर एक्स के पावर जीरो है तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा आपके पास वन। एक बार चलो एक बार फिर से बताता हूँ ध्यान दीजिए सर बच्चे, मैं एक बार फिर से बताता हूँ ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है मैं एक बार फिर से बताता हूँ ध्यान दीजिए सर बच्चे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने किया है आपको बहुपद का, मैंने क्या किया बहुपद का जनरल टर्म लिखना शुरू किया। जनरल टर्म कहने का मतलब कि हम लोग ऐसा सभी मान लो बहुपद मतलब क्या, जिसके पास अनेक पद हो, तो देखिए इस पद एक पद दो पद तीन पद चार पद ऐसे करते करते बहुत सारा पद हो गया, उसी को कहते हैं हम लोग बहुपद। तो हम लोगों ने क्या किया बहुपद का जनरल टर्म विजय व्यंजक लिखना हम लोग ने शुरू किया है, जिसमें हम लोग ने कैसे स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया ए एन से शुरू किया, हम लोगों ने एन से शुरू किया एक्स के पावर एन में गए और एक एक हम लोगों ने घटाना शुरू किया, तो ये ए एन था इस पर आ गया ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन ए जीरो, यहां तक आ गया ठीक है। अब रही बात इसके ऊपर हम देख लेते हैं, ये हो गया एन, ये हो गया एन माइनस वन, ये हो गया एन माइनस टू, इस तरह घटते घटते कहां तक आ गया वन माइनस जीरो तक आ गया, ठीक है। चलिए तो यहां पे मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे कि इस बहुपद का गुणांक कौन कौन सा है, इस बहुपद का गुणांक कौन कौन सा है, गुणांक मतलब कोफिशियंट कौन कौन सा है। तो कोफिशियंट देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, इसका एक्स के पावर एन का कोफिशियंट हो गया एन, एक्स के ए के पावर एन माइनस वन क्या हो गया ए एन माइनस वन, ये हो गया गुणांक, और कौन सा होगा ए एन माइनस टू, इसी तरह करते करते कौन कौन होगा, ये भी होगा ए वन और कौन होगा ए जीरो, ये सभी के सभी क्या होंगे इसके गुणांक होंगे, सभी सब क्या होंगे इसके गुणांक होंगे। चलिए उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी इसकी घात कौन कौन सी होगी,
जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसकी घात कौन कौन सी होगी? चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, घात मतलब होता है पावर। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, पावर कौन कौन सी होगी इसकी? बहुत बढ़िया, पावर कौन सी होती है? देखिए पावर जो ऊपर होता है, तो ऊपर कौन कौन सा है? एन है, एन माइनस वन है, एन माइनस टू है, इसी तरह करते करते कहां तक आएगा? वन जीरो तक। यानी ये हो गया आपके पास एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, वन, ऐसे करते करते कहां वन जीरो। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये आप क्यों बता रहे हैं, तभी उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पे हाँ देखिए, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, वन जीरो, ऐसे क्या होगा ये सर? सबके सब इसके घात कहलाएंगे, पावर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए। कोफिशियंट मतलब गुणांक। अगर यहां तक सर बच्चे को समझ में आ गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सर बच्चे समझ में आ गया यहां तक सर बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें सबसे पहला प्रश्न ये आता है, अब इसमें सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मैं आपको बता क्यों रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि इनमें से बहुपद पहचानिए, पॉलिनोमियल पहचानिए, कि कौन सा पॉलिनोमियल इसमें है। ठीक है, चलिए तो देखते जाइए सर बच्चे। देखिए तो याद रखिएगा, याद रखिएगा सारे सर बच्चे, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण करके बता रहा हूं कि देखिए कोफिशियंट जो होता है, जो गुणांक होता है, वो जो होता है हमारा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। वो रूट में भी हो सकता है, वो बट्टा में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। लेकिन 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 जो हमारा घात होता है, ये हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या होता है? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। जो हमारी घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या? चलिए एक एक प्रश्न समझाता हूं आपको। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट अप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट अप कीजिए कि जो गुणांक होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है। यहां तक हो गया? चलिए अब दोनों पे मैं एक एक प्रश्न कराता हूं ताकि सारे बच्चों को क्लियर हो जाए कि वास्तविक संख्या कौन क्या होती है, मतलब कि गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या हो सकती है और जो उसका पावर में होना चाहिए हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चल ध्यान देंगे, एक एक प्रश्न कर लेते हैं, दोनों पे ध्यान देंगे। देखिए पहला प्रश्न, पहला कोई बच्चे माइक को नहीं करेगा। पहला प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर लिख देते हैं पहले, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, है ना? चलिए देख लेते हैं, करके देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। तो मैंने क्या बताया अभी? मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो गुणांक होना चाहिए वो हमेशा वास्तविक संख्या, तो यानी कुछ भी हो जाए तो हमें गुणांक से मतलब नहीं है, हमें गुणांक से मतलब नहीं, गुणांक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरबाज न्यारी, सरबाज सरवा न्यारी, हेलो दिव्या, बहना बोल कैसी तो है? इसके घात, घात इसके घात कौन कौन सा है? तो इसके घात है 2, 1, 0। क्या वो सारे के सारे पूर्ण संख्या है? क्या वो सारे के सारे पूर्ण संख्या है? सारे बच्चे बताएंगे, क्या वो सारे के सारे पूर्ण संख्या है? वो सारे के सारे पूर्ण संख्या है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आपकी। क्यों? क्योंकि हमें पता है पूर्ण संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे सर पूर्ण स्क्रीन भी दिखाई संख्या। दे रही है।
होती है। स्क्रीन भी दिख रही है आपकी। हाँ ठीक, कुछ देर आपको दिखेगी, ठीक है। ऐसी संख्या जीरो से शुरू होती है उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? चैट बॉक्स में राइट कीजिए, दिख रही है? चलिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ हाँ देखिए, सर, अब इसकी देखने घात लगी। माइक ऑन नहीं करना। आप फिर से एक बार माइक ऑन करती है, अपने आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जो बोला चैट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। देखिए, चल ध्यान यहाँ पे देखिए, चल फिर से सुना, ध्यान लेंगे सर बच्चे, इसको मैं फिर सुना एक बार, ध्यान लेंगे सर बच्चे। देखिए देखिए यहाँ पे, देखिए सर बच्चे, देखिए यहाँ देखिए, इसकी जो घात कौन कौन सी है? इसकी घात है 210। इसकी घात कौन कौन सी है? इसकी घात है 210। 210 क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। 210 क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। यानी अगर ये पूर्ण संख्या है तो क्या ये बहुपद है? हाँ ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। चलिए, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर अब ये पूर्ण संख्या नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 3x की पावर 2 प्लस √x प्लस 4। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि देखिए, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर 1/2। सबको पता होता है x के पावर 1/2 प्लस 4 हो गया। तो देखिए इसका घात देखते हैं सबका, तो देखिए इसमें घात क्या है? 2 है। 2 तो हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? 1/2 जो है हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 जो है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार ये बहुपद नहीं है, इस प्रकार ये बहुपद नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स राइट करें, इस प्रकार ये हमारी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। हो गया? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। और इस प्रश्न को सॉल्व कहाँ करना है आपको? पोल से समझा करना है। इस प्रश्न को कहाँ सॉल्व करना है? प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। और इस प्रश्न को उत्तर कहाँ देना है आपको? पोल सेक्शन में देना है। चलिए, 30 सेकेंड का वक्त है आपके पास। बहुत ही सरल प्रश्न है। दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है? मैंने आपको बहुपद बता दिया। चर क्या होता है? चर क्या होता है? चर वो राशि होती है, वो व्यंजक होता है जिसका मान चेंज होते रहता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, क्या होता है? एक्स वाई जेड, ये सब क्या होता है? ये सब के सब चर कहलाते हैं। तो एक चर वाला कहने का मतलब है जिसके पास एक ही चर हो। अगर एक्स हो तो पूरा एक्स हो, अगर वाई हो तो पूरा वाई हो, अगर जेड हो तो पूरा पूरा जेड हो, ठीक है। चलिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जल्दी जल्दी जो बच्चे इस प्रश्न को उत्तर नहीं किए, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए, लास्ट 5 मिनट, 5 सॉरी लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए, यहाँ पे मैंने देखा अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। देखिए, देख लेते हैं, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद है ना, जिसके पास एक चर, मतलब अगर एक्स है तो पूरा एक्स हो, वाई है तो पूरा वाई। देखिए, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, इसमें एक्स से वाई है यानी ये नहीं होगा, क्योंकि तो हमें एक चर वाला चाहिए, इसमें एक्स से वाई है ये नहीं होगा। अब रही बात आपके मन में दो आ गया बात कि ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, दोनों को लिख लेते हैं। तो एक चर वाला तो मिल गया, यहाँ तक तो पता चल गया ये एक चर वाला है। अब रही भाई बहुपद की, हम ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन लिखा है 4x² - 3x + 7, ठीक है। चलिए, और सी ऑप्शन लिखा है x² + √x + 5। एक एक करके दोनों सॉल्व करते हैं। पहले हम सी वाला सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। चलिए बताइए, इसे घात कितना कितना होगा? चलिए इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हो जाएगा x² ये होगा x² / 2 ये होगा +5। अब बताइए इसे घात कौन कौन सा है? जोड़ देंगे, इसे घात है 2, और 2 तो हमारा पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है।
जिसके वजह से ये सी जो है हमारा गलत हो गया है। लेकिन अगर हम ए देख रहे हैं तो देखिए ए में देखिए सबके सब एक्चर वाला है, और इसे घात देख लेते हैं तो देखिए इसे घात क्या है, देखिए इसका 2 है, इसके पावर क्या है 1 है, यानी 2 1 क्या हो गया हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है, और किस प्रकार का बहुपद है तो एक चर वाला बहुपद है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सारे बच्चों को, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया सारे बच्चों को यहाँ तक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में, बहुत बढ़िया चलिए। ठीक इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे पद के हिसाब से। देखिए अगर हमें बोला कि बहुपद पद के हिसाब से देखना है तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसके पास एक पद हो उसे कहते हैं एक पदी, जैसे कि मान लीजिए एक्स, इसको क्या हो गया हमारा एक पदी। जिसके पास 3 पद हो, जिसके पास एक पद हो उसे कहेंगे एक पदी, जिसके पास 2 पद हो जैसे एक्स प्लस वाई, तो देखिए एक ये पद हो गया एक ये पद हो गया, कुल कितना पद है इसका, कुल 2 पद बोलेंगे इसको द्विपदी, द्विपद इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विपद। ठीक उसी प्रकार जिसके पास 3 पद हो, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना पद है 1 2 3, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिपद, ये कहलाएगा हमारा त्रिपद। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, एक पद रहेगा तो एक पद बोलेंगे, 2 पद रहेगा तो इसको 2 पद बोलेंगे, 3 पद रहेगा तो इसके 3 पद बोलेंगे। ठीक है चलिए ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या होता है, ये पद के अनुसार हो गया, ये पद के अनुसार हो गया। अब दूसरा क्या होता है, घात के अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है, घात के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू पावर। अब दूसरा क्या होता है, पावर के अनुसार, कि मान लेते हैं जिसके पास घात जो होता है उसका 1 हो। घात मतलब एक, कहने का मतलब क्या, सबसे पहला सवाल कहता है घात 1, घात क्या होता है मतलब जिसका अधिकतम घात जो हो 1 हो, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका अधिकतम का क्या, देखिए एक इसका भी क्या है एक, इसका भी क्या है एक, सबका पावर क्या है, सबका पावर 1 है, तो ये किस प्रकार बहुपद कहलाएगा, तो ये कहलाएगा जिसका घात 1 होता है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, क्या कहेंगे उसे रैखिक बहुपद। ठीक है आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर जिसके पास 2 घात हो, जैसे कि मान लीजिए घात 2 कहते हैं, जिस पर 2 घात हो जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, देखिए इसका अधिकतम घात 2 है, तो इसका इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग द्विघाती, क्या बोलते हैं द्विघाती बहुपद, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद, है ना। ठीक उसी प्रकार जिसका अधिकतम घात जो है, जिसका अधिकतम घात जो है 3 हो, कहने का मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो इसका अधिकतम घात क्या, अधिकतम घात से मतलब होता है ना, अधिकतम घात क्या है इसका 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो ये किसके हिसाब से होता है, ये घात के अनुसार हो गया, तो घात 1 रहता है तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, घात 2 रहता है उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद, घात 3 रहता है उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में गया है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, कहाँ देना है पोल सेक्शन में जाकर देना है। और आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है, कितना सेकंड का वक्त है, 30 सेकंड का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप कोई याद रहा। इसी पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता था, द्विघाती बहुपद का घात कितना होता है, एक घातिक घात का रैखिक बहुपद का कितना घात होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है अभी आपको क्या प्रश्न पूछा गया, अभी आपको प्रश्न पूछा गया है त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, मैं उल्टी की तरफ करता हूँ फिर भी।
5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सरल है। देखिए त्रिघाती बहुपद, त्रि मतलब क्या होता है, देखिए त्रिघाती, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें तीन घात होता है उसे कहते हैं त्रिघाती। यानी कौन सा आपको सही है, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर, जो कि हमने अभी अभी आपको बताया। अभी देखिए त्रिघाती का घात कितना होता है, तीन। इस पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है कि, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रैखिक बहुपद का घात बताएं सर बच्चे चैट बॉक्स में। रैखिक बहुपद का घात बताएं सर बच्चे क्या होता है चैट बॉक्स में। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है सर बच्चे चैट बॉक्स में, क्या होता है रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, घात का मान कितना होता है, इसका घात कितने बराबर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, रैखिक बहुपद 1 क्या होता है, 1, जिसे मैंने अभी अभी उनको दिखाया किया। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात जो होता है 1 होता है। तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बात। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग सीख लेते हैं दो तीन महत्वपूर्ण चीजें, जिसमें कि सबसे पहला चीज हम सीखते हैं ये फॉर्मूला पे बेस्ट प्रश्न। फॉर्मूला पे बेस्ट प्रश्न कौन कौन से प्रश्न है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन तीनों फॉर्मूला को समझ लेते हैं। अधिकतर बच्चों को ये फॉर्मूला याद भी होगा, चलिए मैं नहीं भी होगा तो एक बार मैं याद रहता हूँ हर तरह को। देखिए अधिकतर बच्चों को ये फॉर्मूला याद भी होगा। चलिए ध्यान देंगे, एक एक करके फॉर्मूला देख लेते हैं, एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला देखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, यानी कि लेते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3। पहले का जो होता है पहला का स्क्वायर, पहला क्या है एक्स का स्क्वायर गुने दूसरा क्या है वाई। ठीक है चलिए, फिर होता है 3 गुने पहला कोष्टक रख देते हैं दूसरा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है देखिए वही मैंने यहाँ लिख रखा है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू, सभी गुना मतलब 3 एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। अगर ये सारे बच्चों को याद है, अगर ये सारे बच्चों को याद है तो चैट बॉक्स में वाई का करेंगे। अगर ये सारे बच्चों को याद है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। अगर आपको ये याद नहीं है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर लेना है आपको कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। अगर याद नहीं है तो फिर से याद करना आपको, अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है चलिए, ठीक उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। दूसरा होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसको कैसे याद रखते हैं ध्यान दीजिए, हमको ऊपर वाला ही के जैसे देखना है। देखिए ऊपर वाला पहला क्या था, प्लस में था तो इसको हमने प्लस में लिखा था, दूसरा क्या था प्लस में था तो इसको हमने प्लस में लिखा था। ठीक है लेकिन इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या हो गया है आपको फिलहाल के लिए तो याद करना है कि इसमें चेंजेस क्या हो गया कि वाई कितना क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। तो जहां जहां वाई होगा वहां वहां क्या करेंगे, माइनस वाई करेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स का क्यूब जोड़ माइनस वाई का क्यूब जोड़ 3 इंटू x² गुने माइनस वाई, फिर हो गया जोड़ 3 इंटू x गुने माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है अब चलिए, अब इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए ये प्लस एक्स का क्यूब तो ये एक्स क्यूब होगा, लेकिन जब यहाँ पे माइनस वाई का क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाई क्यूब, है ना। चलिए और ये देखिए प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -3x² y, और यहाँ देखिए -y² कीजिए तो ये प्लस में ही रह जाएगा, कीजिएगा +3xy². इस प्रकार एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है x³ -y³ -3x² y+3y² ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है
चलिए तो सभी सही बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी के सही बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को याद क्या रखना है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर आप यहां तक पता है तो इसी से संबंधित आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसी से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए उसी से संबंधित प्रश्न दिया गया, चलिए मैं प्रश्न देख लेता हूं। प्रश्न दिया गया है 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab² का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, चलिए तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला कि a या x प्लस वाई जो भी कोई है, x प्लस वाई का कौन सा क्यूब क्या होता है, तो वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 × x² y + 3xy² अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस प्रश्न का गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए ये है a³ + b³ + 12a²b + 6ab² है ना, 6ab² अब क्या होता है, ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं कि 8 है तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2a³। देखिए 8 a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाते चलते हूँ आपको, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2a³। 2a³ का मतलब हुआ कि 2a को 3 बार गुना कीजिए, जब 2a को 3 बार गुना करेंगे तो क्या कर, देखिए 2 × 4, 4 × 8 तो ये जगह 8a × a क्या हो जाएगा 8a³। यानी 8a³ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2a³ लिख सकते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि 8a³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a³ लिख सकते हैं, तो चार बॉक्स वाइट कीजिए। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि 8a³ को हम लोग 2a³ लिख सकते हैं तो चार बॉक्स वाइट कीजिए, लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक उसी प्रकार हो गया आपका पिछला b³ है ना। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि देखिए यहाँ पे x था तो पहले हम लोग क्या किया, x का क्यूब किया, यहाँ पे हमारे पास y था तो हम लोगों ने क्या किया, y का क्यूब किया। ठीक है, फिर हम लोग किया प्लस 3 × पहला क्या है, x का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही काम करते हैं, हमारे पास मिलके ये मान लीजिए हमारा x हो गया और ये मान लीजिए हमारा y हो गया। हमें यही ढूंढना रहता है, हमें सबसे पहले यही ढूंढना रहता है कि मेरा x कौन सा है, मेरा y कौन सा है। तो हमें यहाँ पे x मिल गया 2a और हमें y मिल गया b। ठीक है, हमें x मिल गया 2a और y मिल गया b। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आगे फॉर्मूला देखते हैं। देखिए आगे फॉर्मूला क्या होता है, 3 × x² ये हो गया 3x की जगह क्या है, x की जगह 2a, 2a² ठीक है, गुना क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो y की जगह क्या है मेरे पास, y की जगह मेरे पास है b। अगर ये स्टेप सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये स्टेप सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये स्टेप सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए हम लोग साथ साथ, हाँ ठीक है, मैं दोनों मिला के आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए अब आता है आपके पास कौन सा, थ्री, अब आता है आपके पास 3 × x * y². चलिए प्लस 3 × x, एक्स जगह क्या है, एक्स गया है 2a, तो यहाँ पे 2a * y जगह क्या है, y जगह है b, यहाँ पे b² तो ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान से देखिएगा ये लिखा है आपके पास x³ + y³ + 3, 2a की जगह क्या लिख सकते हैं x² × क्या है, यहाँ पे देखिए b लिखा है, यानी ये क्या हो गया y प्लस 3 × x² x² जो कि किसके बराबर होता है, तो जो हमारा है x प्लस y का
होल क्यूब के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्स का मान कितना है, टू ए, इसको बोल सकते हैं टू ए प्लस वाई का मान कितना है बी, तो प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। यानी ये कितना लिखा है, तो ये हमें लिखा है, ये हमें लिखा गया है टू ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार बॉक्स वाइट टाइप करेंगे। तो फैक्टराइज करना था, गुणनखंड करना था, गुणन कितना गया, टू ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा गुणनखंड हो गया। देखिए मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बता दिया, मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया, क्या बताया, देखिए हमें इसमें क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है, वाई ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना था, यहाँ पे एक्स ढूंढना था, वाई ढूंढना था। जब हमें एक्स वाई मिल गया तो हम आगे का थ्री इंटू एक्स स्क्वायर वाई, थ्री इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। फिर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। ले लिए सारे बच्चों स्क्रीनशॉट तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। चलिए हो गया, बहुत बहुत। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग एक पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर। इसको मैं अच्छे से एक जगह लिख के दिखाता हूँ आपको, ध्यान देंगे। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई प्लस टू इंटू वाई जेड प्लस टू इंटू जेड एक्स प्लस टू इंटू जेड एक्स। देखिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर देखिए प्लस बी का स्क्वायर जो है वाई का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। अब क्या किया मैंने, दोनों को एक एक पेयर करके पहले इन दोनों का दो से गुणा किया, फिर इन दोनों को दो से गुणा किया, फिर इन दोनों को दो से गुणा किया। देख सकते हैं पहले मैंने एक्स वाई हो गया, फिर क्या था वाई जेड, वाई जेड हो गया, फिर क्या हुआ जेड एक्स। तो मैंने देखिए यहाँ पे जेड एक्स से कर दिया। अगर सारे बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा है तो चार बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा है तो चार बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझे, चलिए ठीक उसी प्रकार देखिए एक फॉर्मूला होगा सर जिमाता है सारे बच्चे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है चार बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। चलिए मैं बताता हूँ, मानेंगे पहले सबका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। चलिए प्लस दो गुने पहला दोनों का ए गुने बी, ए बी प्लस दो गुने दूसरा इंटू तीसरा बी सी प्लस सी गुने ए प्लस दो गुने सी गुने ए, ये हो जाएगा प्लस दो गुने सी गुने ए। आगे समझ में, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है का उत्तर सही कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास अगर ये दिया होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट। अगर हमारे पास ये दिया होगा तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास ये दिया होगा हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक पता चल गया कि अगर ये दिया होगा मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपका बायां पक्ष दिया हो तो हम लोग दायां पक्ष के बराबर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्रश्न कराऊंगा वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हमें बायां पक्ष दिया हो तो उसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर हमारे पास दायां पक्ष दिया हो उसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करते हैं आपको। चलिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24ac का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप फॉर्मूला बिठा सके। इसको देखिए ए
चलिए ए प्लस की जगह पे एक्स वाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने y प्लस 2 गुने y गुने z प्लस 2 गुने z गुने x। आप इस फॉर्मूला के माध्यम से इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये दिया गया है तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास यही दिया गया है, तो हमें इसका ये फॉर्म निकालना है, LHS निकालना है, हमें इसका बायां पक्ष निकालना है, हमें इसका दायां पक्ष दिया हुआ है, RHS दिया गया है, हमें इसका बायां पक्ष निकालना है, हमें इसका बायां पक्ष निकालना है। ठीक है, चलिए जल्दी लेना ये सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देखिए देखिए बहुत ही सरल है। हम क्या करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, ये क्या आपके पास 16 a² प्लस 4 b² प्लस 9 c², यहाँ पे देखिए यहाँ पर माइनस दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है -16 ab, यहाँ पे क्या है +12 bc प्लस, यहाँ पे क्या दिया फिर आपको माइनस दिया गया -24 ac है ना। देखिए अब आप बहुत बच्चे को ये समझना है सबसे पहले कि सर इसमें माइनस कौन सा वाला होगा, माइनस कहने का मतलब कि एक्स, माइनस कहने का मतलब कि आपका एक्स वाला माइनस में है कि वाई वाला माइनस में है कि जेड वाला माइनस में है। ठीक है, एक्स वाला माइनस में है कि वाई वाला माइनस में है कि जेड वाला माइनस में है, तो उसको पता करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय। क्या उपाय है आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अगर आप ये +12 ab 12 bc को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए b भी अगर प्लस में होगा c भी हमारा प्लस में होगा, कहने का मतलब देखिए दोनों क्या है y भी प्लस में है z भी प्लस में है, तभी यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे b और c दोनों के दोनों क्या होंगे प्लस में होंगे, तभी ये प्लस में आया है, तभी ये प्लस में आया है। रही बात यहाँ पे -16 c, तो इसमें नहीं तो a माइनस में होगा नहीं तो b माइनस में होगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे नहीं तो a माइनस में होगा नहीं तो c माइनस में होगा। चलिए ये बात मैं एक बार फिर से समझाता हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए, ये बात मैं एक बार फिर से समझाता हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा तो मेरा जितना भी फॉर्मूला है उस सभी के सभी प्लस में दिया गया है। प्लस में इसलिए दिया गया है कि क्योंकि हमारा एक्स भी प्लस में है वाई भी प्लस में है जेड भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आने के पीछे क्या रीजन है, तो उसमें ये रीजन दिया गया है कि नहीं तो एक्स हमारा प्लस में होगा नहीं तो वाई हमारा प्लस में होगा नहीं तो हमारा जेड प्लस में होगा, या तो हमारा एक्स निगेटिव में होगा नहीं तो वाई निगेटिव में होगा नहीं तो जेड निगेटिव में होगा। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग बहुत ही सरल उपाय निकालते हैं, बहुत ही सरल उपाय निकालते हैं, देख सकते हैं देखिए ये सभी के सभी प्लस में थे यानी इसलिए ये प्लस में आ रहा था, देखिए ये भी सभी प्लस में है इसलिए प्लस में आ रहा है, ये भी सभी प्लस में है इसलिए प्लस में आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए ये बी और सी अगर ये दोनों प्लस में होंगे पॉजिटिव होंगे धनात्मक होंगे तभी यहाँ पे आपको धनात्मक का साइन है पॉजिटिव का साइन आया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यानी इससे हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे बी जो है वो पॉजिटिव में है और सी जो है वो हमारी पॉजिटिव में है। अब रही बात कि यहाँ पे माइनस आया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए नहीं तो पॉजिटिव होगा नहीं तो सी पॉजिटिव होगा, मतलब ए नहीं तो निगेटिव होगा नहीं तो सी निगेटिव होगा, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सी क्या है सी हमारी पॉजिटिव है, इसका मतलब ए हमारी निगेटिव होगी तभी यहाँ पे ये निगेटिव आया हुआ है, यानी ए क्या होगा ए हमारी निगेटिव होगी, अगर ये हमारी निगेटिव होगी। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे पता करते हैं निगेटिव पॉजिटिव, तो चार्ट बॉक्स में व्हाइट करेंगे, अगर ये सारे बच्चों को पता चल गया कि कैसे हम पता करते हैं निगेटिव पॉजिटिव तो चार्ट बॉक्स में व्हाइट करेंगे, जल्दी सभी बच्चे करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कैसे हम लोग पता करते हैं कि ये तीनों में से कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समझेंगे सर बच्चे। चलिए
ध्यान से देखेंगे सर बच्चे, बहुत बच्चों को पता चल भी गया, कुछ बच्चों को नहीं भी चल, देख लेंगे सर बच्चे। देखिए हमें, देखिए यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लिखा था, सभी के सभी फॉर्मूला किसमें था? धनात्मक था, पॉजिटिव में था, इसलिए सभी के सभी जगह क्या है? पॉजिटिव आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो है आपको कुछ जगह माइनस है। देखिए यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे माइनस आया है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या संबंध है माइनस प्लस का, वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे प्लस आया है, इसका रीजन होगा कि यहाँ पे प्लस आया होगा। यहाँ पे प्लस आने का एक ही रीजन है, एक ही कारण है। कौन सा कारण है? कि नहीं तो बी पॉजिटिव होगा और सी भी पॉजिटिव होगा। क्या हो सकता है? बी भी पॉजिटिव हो, सी भी पॉजिटिव हो, तब यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। चलिए, नहीं तो बी भी पॉजिटिव हो, सी भी पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी वहां प्लस आएगा। यानी ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों प्लस है। चलो और आती है बात, यहाँ पे माइनस आने का क्या रीजन है? चलिए हमें पता चल गया कि सी क्या है, सी तो हमारा पॉजिटिव है, सी तो हमारा हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। इसका मतलब एक एक को क्या होना पड़ेगा? एक को हमें निगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाकर वो निगेटिव होगा। तभी वो क्या होगा? तभी वो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, मैंने इंग्लिश ही में बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, आपको ध्यान दें। चलिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि, और हम देखते हैं कि बी क्या है, बी हमारा पॉजिटिव में है, तो ए क्या होगा? ए हमारा निगेटिव में होगा। अब सर्वोच्च समझ आ गया, यानी इसका मतलब ए का जो टर्म होगा वो किसमें होगा? वो निगेटिव में होगा, वो हमारा ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ तक अब सारे बच्चों को समझ आ गया है तो चार बॉक्स राइट करेंगे, और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गया है तो चार बॉक्स राइट करेंगे। ये हम लोग माइनस प्लस क्यों होगा? क्योंकि इसको गुना करने पे यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। इन दोनों गुना करने पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा। इन दोनों गुना करने पे यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। आगे समझ में, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, और आगे का जो है बहुत ही सरल है। तो यहाँ तक पता चल गया कि जो ए वाला होगा वो निगेटिव में होगा, जो बी वाला होगा पॉजिटिव में होगा, जो सी वाला होगा वो भी पॉजिटिव में होगा। ठीक है, चलो अब रही बात, हमें रिपीट करके बताना है आपको, ध्यान दीजिए कि जो ए वाला होगा वो निगेटिव में होगा, जो बी वाला होगा वो पॉजिटिव में होगा, जो सी वाला होगा वो भी पॉजिटिव में होगा। चलिए अब रही बात कि यहाँ पे 16 a² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे, देखिए हमें पता है कि ए क्या है, ए माइनस में है, तो इसको लिखेंगे -4a² -4a² क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? -4a². अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर -4a कहाँ से आ गया? देखिए -4a² कहने का मतलब है -4a गुने -4a, तो जब दोनों गुना कीजिए क्या होगा? देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, ए इंटू क्या होगा? a² देखिए प्लस में 16 a² आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं -4a, और मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो माइनस के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो ए होना चाहिए वो माइनस के साथ होना चाहिए। आगे समझ में? चलिए अब रही बात दूसरा, हम लोग आपको मास्टर्स क्लास में सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बहुपद। क्या पढ़ा रहे हैं? बहुपद पढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए अब रही बात दूसरा, बात दूसरा क्या है? 4b² तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, और b को किसमें रखेंगे? प्लस में, तो 2b² होल स्क्वायर। देखिए इसको जब अपना कीजिए देखोगे 4b² हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 9c², तो इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं किरी सी का होल स्क्वायर, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आता है बात, देखिए फॉर्मूला देखिए, 2xy यहाँ पर प्लस 2 गुने x की जगह क्या है? -4 है, b की जगह क्या है? 2b, जब इसको गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा -16ab, फिर आएगा प्लस 2 गुने 2b गुने 3c। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार अगला क्या है यहाँ देखिए, मान ये हो जाएगा पास प्लस 2 गुने a का मान है -4a, और b का मान, c का मान है 3c, है ना?
इस प्रकार से अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो जाएगा 16a², इसको जब हाँ स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 4b, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 9c², इसको जब हम खोलेंगे तो हो जाएगा -16ab, इसको जब हम खोलेंगे तो हो जाएगा +12bc, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा -24ac। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा z। तो यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और x का मान क्या है, x का मान है -4a, और y का मान क्या है, y का मान 2b, और जेड का मान क्या है, जेड का मान है 3c का होल स्क्वायर। तो यानी ये जो हमें प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का यानी ये जो हमें प्रश्न दिया गया है, तो इस प्रश्न का फैक्टर क्या होगा, इस प्रश्न का फैक्टर होगा आपके पास, -4a + 2b + 3c का होल स्क्वायर। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। तो इसका क्या होगा फैक्टर, इसका फैक्टर होगा -4a + 2b + 3c का होल स्क्वायर। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न को सभी के सभी बच्चों को 2 से 3 बार बनानी है, इस प्रश्न को सभी के सभी बच्चों को क्या करनी है, 2 से 3 बार इस प्रश्न को बनानी है। चलिए, हो गया सर बच्चों समझ में यहाँ तक। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ी है एक चर वाला जो कि मैंने बता दिया आपको बहुपद, क्या पढ़ा मैंने आपको बहुपद पढ़ लिया जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक पदी द्विपदी और त्रिपद क्या होता है, यह हम सीख लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक घात को क्या बोलते हैं, एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक बहुपद, दो घात वाले को बोलते हैं द्विघात बहुपद, तीन घात वाले को बोलते हैं त्रिघात बहुपद, तीन घात वाले को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया है, फिर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया है और फॉर्मूला से संबंधित मैंने आपको प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसी प्रकार जितना मैंने प्रश्न बताया हो सकता है किसी से संबंधित आपको आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि सभी बच्चे क्या करेंगे, हर एक प्रश्न को 2 से 3 बार बना लेंगे क्योंकि उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट हो बच्चे अपना डाउट पूछेंगे, जिन बच्चों को कुछ भी